सरकार ने पिछले 9 साल में हमें विकास तो नहीं दिया नहीं, लेकिन इस पिछले 9 साल में सरकार ने हमारे दफ्तरों के बड़े चक्कर कटाए। आज सरकार ने आइडिया बहुत ज्यादा बनवाई है, पेंशनें काटनी शुरू कर दी है, ये तमाम चीजें हैं जिससे ये लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। हमारा हमेशा से प्रयास ये रहा है कि आम जनता की जो जिंदगी है उसको जितना हो सके उतना सफल और सरल बनाया जाए और उनको कम से कम तकलीफ। देखिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हमेशा मेवात जिले के साथ एक बड़ा पुराना नाता रहा है और उन्होंने पहले भी एक चीज हमेशा कही है कि जिस दिन इंटरनेशनल लोकल की सरकार बनेगी मेवात के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी बनेगी और हॉस्पिटल भी बनेंगे और पानी की सुविधा ही दी जाएगी। वही वादे को आज आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं और उसी वादे को पूरा करना हमारा पूरा प्रयास है। तमाम देश को ये पता है कि जो ईडी है वो इस मौजूदा सरकार का केवल और एक केवल पुल रह गया है। जहां कहीं भी उनका विरोध होता है वे इसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं, तमाम सरकारी मशीनें का करते हैं। जब किसान आंदोलन चला तो गरीब किसानों पर इन्होंने एनआईए के केस बनवाने का काम करा। जब सरकार का कोई विरोध करता है, कोई बड़ा नेता विरोध करता है, उस पर ईडी की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये सारी चीजों में सरकार असफल रही क्योंकि आप लोगों को की आवाज को दबा नहीं सकते। आप जितना दबाने की कोशिश करोगे उतनी लोगों की आवाज और बुलंदी के साथ आपके खिलाफ बोलने का काम। मेवात में 9 साल बीजेपी के जो सांसद हैं सीटी बजाने की बात करते हैं, लेकिन 9 साल से ज्यादा समय हो गया अब तक सीटी नहीं बजी, क्या कहना है? देखिए ये तो आज मेवात का एक बच्चा बच्चा जानता है, मेवात ही नहीं बल्कि गुड़गांव का हर बच्चा जानता है कि विकास अगर हो सकता है तो वो केवल इंटरनेशनल लोकदल के राज में हो सकता है। भाजपा से जहाँ कहीं विकास की अगर उम्मीद होती तो आज भाजपा के इस प्रदेश में ये दुर्दशा ना होती। आज तो भाजपा सरकार के वो हालात हो चुके हैं कि चाहे इनका मंत्री हो, चाहे उनका नेता, चाहे उनका कार्यकर्ता, कोई भी उनको देख के राजी नहीं। आज ड्राइवर सड़कों पर हैं, धरने पर बैठे हैं, उनका ट्रकों का पहिया थम गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो कह ही रहा हूँ आज तो तमाम देश इनसे तंग आ रखा है, फिर चाहे आप किसानों की बात करें, चाहे ट्रक ड्राइवरों की बात करें, चाहे आप सरकारी कर्मचारियों की बात करें, चाहे आप आज हमारे प्रदेश में जो पटवारी है चाहे उनकी बात करें, आज कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। आज सारे वर्ग इस सरकार से ना खुश।